एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसमें सीधे रुख करेंगे गणेश ठाकुर का। गणेश, बैंक की ब्रांच क्या कर रही है? पीएनबी की बैंक ब्रांच जो कि मुंबई में स्थित है, जिसके बाहर आप खड़े, क्योंकि अभी तो एक ही केस दर्ज हुआ है 280 करोड़ का। जी बिल्कुल नेहा, 280 करोड़ का केस सीबीआई के पास है और जो हमें सूत्र बता रहे हैं, इंटरनल इंक्वायरी के साथ साथ सीबीआई के लोग भी, सीबीआई के अधिकारी भी बैंक के जो 10 निलंबित कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ कर रही है और उनसे स्टेटमेंट ले रही है। लेकिन यहाँ पर नहीं तो बीकेसी जाकर और दूसरे जगहों पर, यहाँ पर इसका ऑडिट भी किया गया, इसकी पूरी जानकारी ली गई। और एक सवाल ये उपस्थित हो रहा है पीएनबी के लिए भी कि 280 करोड़ का मामला सामने आया है इस ब्रांच से। पीएनबी ने अपने प्रेस रिलीज से ये जरूर कहा है कि 11,500 करोड़ एक ही ब्रांच से हुए हैं, तो 280 करोड़ की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन जो दूसरे पैसे हैं क्या वो भी एलओयू के जरिए इसी ब्रांच से गए? एक सवाल था, जो सूत्र बताते हैं कि इसी ब्रांच से एलओयू के जरिए बाकी पैसे भी गए हैं। ये एलओयू किससे हैं, इन दोनों नीरव मोदी और चौकसी के ही हैं या और भी लोगों के हैं, इनकी भी जानकारी अब सीबीआई ले रही है और ईडी की भी मदद ली जाएगी जांच में। ईडी भी इसमें सहयोग करेगी जांच में, ऐसी जानकारी हमसे मिल रही है, क्योंकि पीएनबी के बाद एक एजेंसी जो है ये जा रही है अब इस पूरे मामले के भीतर। गणेश ठाकुर हमें जानकारी देते हुए पीएनबी की मुंबई स्थित ब्रांच, जहां हड़कंप मचा है क्योंकि वहीं से इस बड़े घोटाले की तस्वीर साफ हुई है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, बड़े सरकारी बैंक में बहुत बड़ा घोटाला, इस साल की सबसे बड़ी खबर जो मोदी सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर के रूप में सामने आ रही है। पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में 11,500 करोड़ का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 280 करोड़ की भारी भरकम धनराशि देश छोड़ विदेश जा चुकी है। पीएनबी में 11,500 करोड़ रुपए का ये बड़ा घोटाला हुआ है और आपको बता दें 280 करोड़ की राशि देश छोड़ विदेश जा चुकी है, घोटाला हो गया है। अरबपति ज्वेलर नीरव मोदी पर घोटाले का बहुत बड़ा आरोप लगा है सीबीआई। 280 करोड़ के घोटाले पर नीरव मोदी के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। पीएनबी ने रिक्वेस्ट किया है कि लुकआउट नोटिस जारी किया जाए, नीरव मोदी देश छोड़कर भाग ना जाए। ईडी और सेबी इस घोटाले की जांच करेंगे। दायरा इसका बढ़कर 11,500 करोड़ तक जा सकता है। घोटाले के बाद पीएनबी का शेयर 10% तक गिरा है। एक दिन में निवेशकों के 3,000 करोड़ से ज्यादा रुपए डूब गए हैं। घोटाले का असर दूसरे बैंकों पर भी पड़ने की संभावना है। हांगकांग में इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक से पैसा लिया गया। पीएनबी ने 10 कर्मचारियों को मुंबई ब्रांच में सस्पेंड कर दिया गया है। और हम आपको बता दें, सीबीआई में जहां इस मामले पर नीरव मोदी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, हमारी नजर वहां बनी रहेगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।